चाबी ऑन करी और बाइक अपनी सेल्फ स्टार्ट हो जा रही है। देखिएगा, मैं आपको एक बार और दिखा दूं, चाबी ऑन करी और सेल्फ स्टार्ट खुद ही बाइक हो जा रही है बिना सेल्फ का बटन दबाए। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसका वाइजर खोलना होगा। वाइजर खोलने के लिए दोस्तों दो इसके 10 नंबर के बोल्ट होते हैं, ये दोनों बोल्ट हमें निकाल ले होंगे, तो इन दोनों बोल्टों को हम निकाल लेते हैं और उसके बाद में अपना जो वाइजर है वो निकल जाएगा। लाइट की एक पत्ती होती है दोस्तों, इस पत्ती के अंदर 10 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं, ये दोनों बोल्ट भी दोस्तों हमें खोलने होंगे कुछ इस तरह से। पहले इन दोनों बोल्टों को खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये दोनों बोल्ट हमने खोल लिए, उसके बाद में या इसके अंदर जो अपना सेल्फ वाला ये बटन होता है मुट्ठा, इसका जो ये वायर होती है इस वाले मुट्ठे के अंदर आती है, तो इसका सॉकेट भी पहले हम निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से। और दोस्तों जो अपना सॉकेट है ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा, इसको निकाल लेते हैं। अब दोस्तों इसका इग्निशन ऑन करेंगे और देखेंगे बाइक अपनी सेल्फ स्टार्ट होती है नहीं। इग्निशन ऑन करते हैं, ये देखिएगा इग्निशन ऑन हो गया, हॉर्न बजाते हैं मस्त एकदम बज रहा, पर अपनी जो बाइक है दोस्तों सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमें क्लियर पता चलता है इसके जो है मुट्ठे के अंदर प्रॉब्लम है। मैं इसको एक बार दोबारा से लगाता हूँ और बाइक की दोबारा से इग्निशन ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो इग्निशन ऑन है और इसको लगाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही लगाया स्विच को और जो अपनी बाइक की वो खुद ही सेल्फ स्टार्ट हो गई है, ये देखिएगा यहाँ से लगा दिया है। एक बार मैं इसका इग्निशन बंद करता हूँ चाबी और दोबारा से खोलता हूँ बिना बटन दबाए। ये देखिएगा जो बाइक है दोस्तों वो सेल्फ स्टार्ट हो जा रही है। तो ये स्विच को अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब ऑन करते हैं, ये देखिएगा अपनी जो बाइक है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हमें क्लियर पता चलता है जो उसका सेल्फ वाला मुट्ठा है ये ख़राब हो गया है। इसके अंदर हम दोस्तों स्विस कंपनी का सेल्फ वाला ही मुट्ठा डालेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूँ, i3x वाला ही है दोस्तों ये। तो इसको पहले रेपर से बाहर कर लेते हैं, कुछ इस तरह से फाड़ लेते हैं पिन्नी अपन। और दोस्तों जो अपना सेल्फ वाला मुट्ठा है बाहर आ गया है, ये देखिएगा। इसके सॉकेट को हम इसके अंदर लगाते हैं दोस्तों, पहले कुछ इस तरह से ये सॉकेट अपना लग गया है। और दोस्तों ये अपना सेल्फ का मुट्ठा आ गया, अभी इसकी चाबी ऑन करेंगे। ये देखिएगा हमने नया मुट्ठा लगाया, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। आप बटन दबाते हैं, ये देखिएगा बटन दबाने से दोस्तों अपनी जो बाइक है वो सेल्फ स्टार्ट हो जा रही है। पहले क्या हो रही था, चाबी ऑन करने से सेल्फ स्टार्ट हो रही थी, अब इसका नया डाल दिया हमने मुट्ठा ये। अब ये देखिएगा बटन दबाने से बाइक की अपनी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो हमें क्लियर पता चलता है ये दोस्तों मुट्ठा ख़राब हो गया है। तो इसके मुट्ठे को हम ये वाला मुट्ठा इसके अंदर लगाएंगे और दोस्तों जो बाइक की प्रॉब्लम थी वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान को दोस्तों आपको ऑल पे सेट कर देना है। इस तरह की वीडियो हम जब भी डालेंगे सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों इस मुट्ठे को हमें नया डालने के लिए जो इसका पुराना वाला ये सेल्फ वाला मुट्ठा होता है ये हमें निकालना होगा। तो दोस्तों इसके 4 मुंह के 2 पेच लगे होते हैं, वो अपने 4 मुंह के पेच का इसकी मदद से हमें दोनों पेच खोलने होंगे और कुछ इस तरह से दोस्तों जो अपना सेल्फ वाला मुट्ठा है ये बाहर निकलेगा। पहले इस मुट्ठे को अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है। तो इस तरह से कुछ इसकी एक्सीलेटर वायर इसके अंदर फंसी रहती है, एक्सीलेटर वायर को भी हम बाहर निकाल लेते हैं और दोस्तों जो अपना सेल्फ वाला मुट्ठा था ये बाहर आ जाएगा कुछ इस तरह से। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा काम कराना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, हम आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरह से जो अपना सेल्फ वाला मुट्ठा है ये बाहर आ जाएगा। और दोस्तों न्यू सेल्फ बटन के अंदर ये इसके भी 2 स्क्रू लगे होते हैं, तो इसको लगाने से पहले दोस्तों ये दोनों हमें स्क्रू पहले बाहर निकाल ले होंगे। तो पहले ये दोनों स्क्रू अपन बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से, ये अपने स्क्रू निकल गए हैं। उसके बाद में दोस्तों इसकी जो रेस वाली वायर होती है इसके अंदर ये हमें कुछ इस तरह से लगानी है। तो दोस्तों पहले हम रेस की इसकी जो तार है इसको इसके अंदर लगा लेते हैं कुछ इस तरह से, ये लग जाएगी। इसके बाद में दोस्तों हमें दोनों इसके जो सेल्फ वाला बटन रहता है इसके 2 स्क्रू रहते हैं, ये दोनों हमें स्क्रू टाइट करने रहते हैं। तो इन दोनों स्क्रू को अपन टाइट कर लेते हैं। उसके बाद में जो इसकी वायर लगी होती है दोस्तों सेल्फ वाले मुट्ठे की, इसको यहाँ से कुछ निकालने के बाद में इसका जो कपलर रहता है वो मेल फीमेल दोनों कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ तक का जो काम था दोस्तों वो कम्प्लीट हो चुका है, अब इसकी टेस्टिंग करेंगे लास्ट बार। तो इसका जो इग्निशन है वो ऑन करते हैं, ये देखिएगा इग्निशन ऑन किया, बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं हुई। अब इसका बटन दबाते हैं अपनी जो बाइक है, अब दोस्तों बटन दबाने से सेल्फ स्टार्ट हो रही है। ये देखिएगा बटन दबाया हमने और अपनी जो बाइक थी स्प्लेंडर प्लस BS6 ये इस तरह से सेल्फ स्टार्ट हो गई है। अगर दोस्तों आपकी बाइक में भी BS6 बाइक में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी बाइक में भी दोस्तों ये सेल्फ वाली प्रॉब्लम आ रही है
तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से ठीक कर सकते हैं। मुट्ठा नया डाल के दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इस मुट्ठे को रिपेयर ना कराएं। रिपेयर कराने के बाद में क्या होता है दोस्तों, 5-6 दिन के बाद में ये फिर प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है, ये ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, इस मुट्ठे को आप नया डाला दें और आपकी बाइक की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा हमारे बक्सों में एक स्प्लेंडर प्लस BS6 आई हुई थी। जैसे ही उसका हम इग्निशन ऑन कर रहे थे तो ऑटोमेटिक दोस्तों वो जो बाइक थी हमारे पास स्प्लेंडर वो सेल्फ स्टार्ट हो जा रही थी। तो आपने देखा उस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉल्व किया है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना है, और दोस्तों आपका कोई कमेंट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। 100% दोस्तों हम उसकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप हमारे द्वारा अपनी बाइक में काम कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम अपना पूरा एड्रेस आपके साथ दोस्तों शेयर करेंगे। आप आ सकते हैं हमारे वर्कशॉप पर और अपनी बाइक में बहुत बढ़िया तरीके से काम करा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार सेवा का मौका जरूर दें, और आप लोगों का प्यार हमें यूट्यूब पर बहुत अच्छा मिला, आप लोगों के प्यार से हमें बहुत आगे तक जाना है। आपके बिना दोस्तों हम कुछ नहीं, आप है तो हम हीरो हैं, आप नहीं है तो हम बिल्कुल जीरो हैं। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और घंटी के निशान को आपको ऑल पे सेट कर देना है। इस तरह की वीडियो हम जब भी डालेंगे सबसे पहले दोस्तों आपके पास आ जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।